हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को स्टेंसिल पेंटिंग करना सिखाऊंगी। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है स्टेंसिल की, एक्रेलिक कलर्स एंड फोम शीट, और जिस पर भी आपको पेंटिंग करनी है वो मटेरियल। सबसे पहले मैं आपको वाइट शीट पर करना दिखाऊंगी, उसके बाद फैब्रिक पर। जैसे मेरी वाइट शीट है, मुझे जहाँ भी इसको पेंट करना है मैं उसको रोज़ को, इस पैटर्न को उसी हिसाब से रख दूंगी जैसे भी मुझे इसको पेंट करना है। पैटर्न मैंने लगा दिया है। अब ये देखिए आप लोग, मैंने फोम शीट को लिया। आप मोटे वाले फोम भी ले सकते हैं या फिर इसी को आप पतला करके ऐसे रोल कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपका पैटर्न हिलेगा तो आप इसको टेप से भी सेट कर सकते हैं ताकि आपका पैटर्न बिल्कुल भी हिले ना। जी, मैं यहाँ पर छोटी सी पेपर टेप लगा रही हूँ ताकि मेरा पैटर्न सेट हो जाए पेपर के ऊपर। ठीक है, ये लगा दिया मैंने टेप को, अब ये हिलेगा नहीं। अब मैं इसके ऊपर पहले रेड येलो कलर का रोज़ बना रही हूँ। ये मैंने येलो कलर स्पॉन्ज में लिया है और उसको थोड़ा सा डैब करके कम कर दिया, और इसी डैबिंग टेक्निक से ही मैं इस पर येलो कलर लगा रही हूँ। नॉर्मल मैं आपको सिंगल कलर से बता रही हूँ, पहले एक बार रोज़ मैंने सिंगल कलर से किया। अभी मुझे इसकी लीव्स करनी है तो मैंने इसके लिए सैप ग्रीन कलर लिया, येलो वाली स्पॉन्ज में ही ले लिया, और उसको भी थोड़ा सा मैं प्लेट में डैब करके कम कर देती हूँ और फिर से लीफ वाली जगह पर और स्टेम वाली जगह पर कर देती हूँ। डैबिंग करनी है, कुछ नहीं करना आपने इसमें ज़्यादा। ये देखिए कलर आपके स्पॉन्ज में कम होना चाहिए। ये मेरा हो गया, उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको होल्ड करूँगी हाथ से पैटर्न को, और ये जो टेप मैंने लगाई है उस टेप को उतार के और इसको उठा लूँगी। ये मैंने येलो कलर का रोज़ तैयार कर लिया इसके ऊपर। अभी मुझे इसको थोड़ा बंच बनाना है तो मैं इसी के ऊपर इसी हिसाब से इसको सेट करूँगी कि मेरा येलो के ही थोड़ा सा ऊपर रेड रोज़ आ जाए। ठीक है, मैंने सेट किया, वापस से इसको टेप लगा दिया। देखिए आप, लगा दिया। अभी वापस से मैं स्पॉन्ज लूँगी, स्पॉन्ज को मैंने रेड कलर लगाया, डैब किया एक्स्ट्रा को, और ऊपर ऊपर वाली साइड मतलब हर पेटल में एक आउटलाइन को छोड़ते हुए सेंटर में आप पूरा रेड दे सकते हैं, बट साइड वाले में मैंने आउटलाइन को थोड़ा थोड़ा छोड़ते हुए रेड कलर कर रही हूँ। ये देखिए आप, इस टाइप से किया मैंने। अभी मैं क्या करूँगी, एक बार और स्पॉन्ज लूँगी और उसको बहुत पतला करना है, मैंने बिल्कुल पतला रखना है इसको ऐसे पॉइंटेड। इसमें हल्का सा ब्लैक कलर लगाया मैंने, और जो मेरी साइड्स हैं उन पर मैं ये उसमें ब्लैक में आप हल्का सा रेड मिक्स कर सकते हैं ताकि थोड़ा मैरूनिश टच आ जाए, प्रॉपर ब्लैक भी ना रहे आपका। और कलर स्पॉन्ज में कम ही होना चाहिए हमारी। ठीक है, ये मैंने किया, और एक बार वापस से अब मैं रेड वाली स्पॉन्ज लेकर उसको दोबारा से डैप कर दूंगी, जिससे हमारा क्या होगा कि जो ब्लैक कलर है वो मर्ज हो जाएगा हमारे रेड के अंदर, वो अलग से नहीं लगेगा। स्पॉन्ज यहाँ पर आपकी हल्की सी वेट होनी चाहिए, बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, अभी मैं इसमें फिर से ग्रीन करूँगी। तो मैं इधर वाली लीफ को नहीं करूँगी, सिर्फ इधर वाली करूँगी क्योंकि वो उसके ऊपर जाएगी अदरवाइज। तो ये देखिए, अपने पैटर्न का बस ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है और कहाँ पर करना है। ये देखिए, ये मेरा हो गया, इसको वापस से मैं उतार लूँगी। ये हमारा मैरून कलर का रोज़ तैयार हो गया।
ठीक है। और सेम अगर आपको फैब्रिक के ऊपर करना है, ये तो हमारा हो गया पेपर के ऊपर कार्ड्स वगैरह बनाते हैं, तो अभी हमें फैब्रिक के ऊपर करना है। तो मैं ये मैंने वाइट फैब्रिक लिया, उसके ऊपर वापस ये पैटर्न सेट कर दूंगी जहाँ भी मुझे बनाना है, टेप लगा दूंगी वापस। सेम टेक्निक, कोई चेंज नहीं है टेक्निक में, टेक्निक हमारी सेम रहेगी। इस पर मैं आपको रेड वाला ही रोज़ बता रही हूँ फिर से, बस इसमें थोड़ा सा कलर आपका ज़्यादा लगेगा क्योंकि ये कपड़ा है, ये एब्जॉर्ब करेगा कलर को, पेपर एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो इसमें आपको एक दो बार दोबारा दोबारा कलर लेना पड़ेगा। नीचे का बेस आपका बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। अभी वापस से मैं ब्लैक कलर ले रही हूँ स्पॉन्ज में, हल्का हल्का सा टच मैं कहीं कहीं दे रही हूँ, और वापस से अपनी रेड स्पॉन्ज को यूज़ करूँगी ताकि वो सब कुछ हमारा मर्ज हो जाए। ये हो गया मेरा। अभी मैं ग्रीन कलर ले रही हूँ स्पॉन्ज में, कपड़े को आपने होल्ड रखना है हाथ, दूसरे हाथ से उसको छोड़ना नहीं है, नहीं तो आपका स्पॉन्ज के साथ स्टेंसिल भी और कपड़ा भी ऊपर आ जाएगा। ये किया मैंने, अभी इसको ध्यान से आपने इसको स्टेंसिल को और कपड़े को होल्ड करते हुए टेप को उतारना है, और ये आपका स्टेंसिल उतर गया, ठीक है। ये हमारा कपड़े पर हो गया। अभी आप इसको कहीं भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको कपड़े पर ही करना है, आपको किसी बॉटल पर करना है या कहीं भी करना है तो आप इसको कहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर इसी को मुझे इस बॉटल पर करना है, मैं आपको हर चीज़ पर दिखा रही हूँ एक बार, तो आपने क्या करना है, कोई भी बॉटल पहले उसको बेस कलर करना है, आपने ऐसे बॉटल के ऊपर लगाया और उसको भी टेप से आपने कवर कर दिया। टेप से कवर करने के बाद वही मैं इसमें सिंगल कलर यूज़ कर रही हूँ, स्पॉन्ज में मेरा रेड और ब्लैक दोनों है। ये देखो डैबिंग टेक्निक ही करनी है हमें इसमें भी, अच्छी तरह से आपने पैटर्न को बॉटल के ऊपर टेप की हेल्प से पेस्ट कर देना है। मैंने इसको हाथ से होल्ड किया हुआ है, आप टेप की हेल्प से पेस्ट कर दीजिएगा। ये देखिए हमारा हो गया, और इसको भी उतार दिया हमने। तो आप इसको स्टेंसिल को किसी भी सरफेस पर यूज़ कर सकते हो, एक्रेलिक कलर से ही, ठीक है। आई होप आप लोग को पसंद समझ आ गया होगा। बाय ऑल।